माथे पर तिलक लगाकर राहुल गांधी ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। बाइडेन के भी उड़े होश। जी हां, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। यहां सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने भारतीयों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की थी। मैं भी यात्रा कर रहा था। हमने देखा कि भारत में राजनीति के जो सामान टूल थे, जैसे जनसभा, लोगों से बातचीत, रैली, वे अब काम नहीं कर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा के लिए मंगलवार को वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कार्यकर्ता और शिक्षाविदों से बातचीत की। राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की, जिस वजह से उन्हें अपना भाषण भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग नारे लगाए। हालांकि उन्होंने क्या नारा लगाया या वीडियो में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक शख्स को इंदिरा गांधी कहते सुना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने माथे पर तिलक लगाकर पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया, उसके बाद से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।